हेलो एंड वी आर बैक टुगेदर वंस मोर। हम लोग फिर साथ हैं और हमारी इस महफिल का ये तीसरा हिस्सा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको आपके साथ में एक वर्ड की लिस्ट रखनी, जैसे हमने रखी है, और ये लिस्ट आपको मिलेगी www.englisharm.blogspot.com। इस ब्लॉग पर आपको जाना है और इस ब्लॉग पर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये जो लेसन है, ओके, इस लेसन को आप देखें। एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 4 पार्ट 2। एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 4 पार्ट 2 में आपको वोकैबुलरी बुक में लिखने के लिए आपको लिस्ट दी गई। उस वोकैबुलरी बुक में जो लिस्ट है वो आपने लिखी होगी, और नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा और उसको अपने साथ रखें, क्योंकि मैंने पहले बताया और फिर बता रहा हूँ कि इस हमारी महफिल में कोई सबटाइटल्स नहीं होंगे, मतलब शब्द यहाँ पर आपके लिए नहीं स्क्रॉल किए जाएंगे, आपको अपनी लिस्ट से देखना है जैसे कि हम देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार जो हमने इसके पहले हिस्से में हमने किया वो था पीस, यानी कि एक टुकड़ा, यानी एक टुकड़ी, जो भी आप बोलो, ओके। नाउ अभी हम देख रहे हैं वो है बिट, और बिट का एक मतलब तो ऑफकोर्स टुकड़ा होता है, लेकिन इसके और भी मतलब हैं जो हम अभी देखेंगे, ओके। वी विल लुक इनटू इट नाउ। ऑलराइट, लेट्स गो गाइस, वी आर रोलिंग। वी आर रोलिंग मतलब हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओके, हम एक्शन में आ गए हैं। वी आर रोलिंग, ऑलराइट, कम ऑन, ओके, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड्स। लेट्स गेट द शो ऑन द रोड्स मतलब क्या है कि इस कार्य को हम स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, बिट का पहला मतलब है कि एक छोटा टुकड़ा किसी चीज का। कैन आई हैव अ बिट ऑफ पेपर, कैन आई हैव अ बिट ऑफ पेपर, पेपर की टुकड़ा मिलेगा मुझे, अ बिट ऑफ पेपर, एक टुकड़ा, अ बिट ऑफ पेपर। The girl had a bit of crayon in her hand. बोली, the girl had, बोले गए, you have to speak, please, देखिए आपको बोलना, please बोलिए, डांटना ही पड़ेगा आप तो यार, क्या करें, मिन्नत की हमने, गुजारिश की हमने, please कहा, अब और क्या कहें, डांटे, अरे यार क्या डांटना, आप बोलो ना यार, छोड़ो ना सब डांटना मिन्ना, सब हटाओ, आप हैं, हम हैं, हम आपसे एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप बोलिए, तो बोलिए ना मेहरबानी करके, चलिए बोलिए, ओके। नाउ द गर्ल हैड, द गर्ल हैड अ बिट ऑफ पेपर, अ बिट ऑफ क्रेयॉन इन हर हैंड। सुनाइए, सुनाइए, द गर्ल हैड अ बिट ऑफ क्रेयॉन in her hand. Once more, one more. The girl had a bit of crayon. See that crayon? Crayon होता है ना, वो रंगीन इस तरह का होता है जिससे लोग पेंटिंग करते बच्चे. Okay, very nice. Okay, अच्छी चीज़ है बच्चों को ये, you know, पेंटिंग वगैरह करवाना है, अच्छी बात है उनके लिए, क्रिएटिव होते हैं. Anyway, चलिए बोलिए. The girl had a bit of crayon in her hand. यानी कि क्रेयॉन की क्या एक छोटा सा टुकड़ा था उसके पास। द गर्ल हैड अ बिट ऑफ क्रेयॉन इन हर हैंड। ओके, बिट, नाउ बिट कैन बी अ बिट ऑफ केक, ओके, छोटा सा पीस के, अ बिट ऑफ केक, छोटा सा लिया केक, ओके। सो अ पर्सन सेज, आई जस्ट हैड अ बिट ऑफ केक एट द पार्टी, नथिंग एल्स, आई जस्ट हैड अ बिट ऑफ केक एट द पार्टी, नथिंग एल्स। पूरा बोलेंगे, मैं एक बार कहूंगा आपको, तीन बार भूल गए, गॉट इट, आई एम श्योर यू हैव गॉट इट आइडिया, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट, यू स्पीकिंग, ऑलराइट, इट कुड बी समथिंग वेरी शॉर्ट, इट कुड बी अ लॉन्गर थिंग, दैट इज अ मटेरियल, छोटा सा जुमला हो, वाक्य हो, या बड़ी सी कोई चीज हो, उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि ये महत्व है कि आप बोले, बोले, चलिए बोलिए, ओके। आई जस्ट हैड अ पीस ऑफ केक एट द पार्टी, पीस ऑफ केक, पीस अ केक, पीस ऑफ केक, ओके ना, पीस ऑफ केक बोल सकते हैं, पीस ऑफ केक बोल सकते हैं, पीस ऑफ केक बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड। हम आज ये ट्राई करें, अ पीस ऑफ केक, कभी हम पीस ऑफ केक ट्राई करेंगे, पीस ऑफ केक ट्राई करेंगे, केक तो केक होता है, सब लोग को पसंद होता है,
केक खाने के लिए. वेरी गुड केक, लवली केक. वाओ, कैन आई हैव अ बिट ऑफ, वन मोर बिट ऑफ केक प्लीज. चलिए. ऑलराइट, आई जस्ट हैड अ बिट ऑफ केक, नथिंग एल्स. I just had a bit of cake, nothing else. Good. Now, bit garlic matlab hota hai ki, you know, like we, a small short distance, okay, chhota sa ek fasla, ya to phir ek chhota sa time ki hum baat karte, chhote se time ki baat karte. Okay. For example, hum kehte hain ki, can you move your car back a bit so that I can get my car out? कि आप अपनी गाड़ी थोड़ा सा पीछे ले लेंगे ताकि मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल पाऊँ. पार्किंग हुई है और इस तरह से कि आपकी गाड़ी बाहर नहीं आ पा रही, जब तक कि जो आपकी और एक गाड़ी जो थोड़ा सा पीछे ले ले तब तक, तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कैन यू मूव योर कार बैक अ बिट सो आई कैन गेट माई कार आउट. अंडरस्टैंड, अ बिट, थोड़ा सा पीछे. ओके, और यू कैन से आप ट्रेन, आप क्यू में खड़े हैं. ओके, यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू and in the for to buy a ticket for the train or a movie or whatever, and there's some person in front of you, aapke samne koi khade hue hain aur wo phone pe baat kar rahe hain, unka ye dhyan nahi raha, unka ye zehen mein nahi raha ki aage kuch log nikal chuke hain aur line aage badh chuki hai unke aage se, aur beech mein gap aa gaya, faasla aa gaya. To aap unko kehte hain, can you move up a bit, kya thode se aage badh sakte hain. Can you move ahead a bit, can you move up a bit, a bit, thoda sa aage. Understand? Thoda sa aage. Okay. You can say there is this a small shop just a bit away from my home. Okay. Thoda sa mere ghar se hi dur hai. Okay. Ek shop hai. There's a small shop just a bit away from my home, which sells very fresh milk or fresh milk. Okay, no. So there's a shop, small shop just a bit away from my home, which sells fresh milk. Yahan par hume taza doodh milta hai. Got it? So. छोटे से डिस्टेंस के लिए हम अ बिट, ओके, मूव अप अ बिट, मूव बैक अ बिट, ओके, कम अप अ बिट, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ओके, कम अहेड अ बिट, थोड़ा सा आगे आ जाओ, कम अहेड अ बिट. तो अ बिट एक डिस्टेंस के, छोटे से डिस्टेंस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. उसी तरह से छोटे से वक्त के लिए, इफ़ यू कैन वेट हियर अ बिट आई विल बी राइट बैक, आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे रुकोगे मैं अभी लौट कर आता हूँ. इफ़ यू कैन वेट हियर अ बिट, वेट हियर अ बिट, ओके, सो यू कैन से दैट. ओके, फाइन. Right. Or you can say, I watch TV for a bit. That means a bit of time. Thoda sa time maine TV dekh liya. Okay. Phir waqt tha mere paas ghar se nikalne ke liye. Meri bus ko aane mein wahi waqt tha. Aur main kya karta? Maine thodi si news dekh li. So I watched news on the TV a bit. Thode waqt ke liye. Okay. Then the next one we have, bit hi ka aur ek meaning hota hai. Ki kisi mein kisi tarah ki quality ek hoti hai, halki si. Zyada bhi nahi, halki si, slight ek quality hoti hai. Okay. कुछ उनमें एक खूबी होती है या उनमें कोई ऐब होता है, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन से शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. ओके, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन बट शी इज़ अ बिट ऑफ अ स्नॉब. ओके, अ बिट ऑफ अ स्नॉब मतलब थोड़ी सी वो प्राउड है. ओके, स्नॉब वो होते हैं कि जो लोग जिनमें बहुत अहम होता है, थोड़े से घमंडी होते हैं कि हम तो हम होते हैं, थोड़ा सा उनको एक घमंड होता है, तो वो स्नॉब होते हैं. लोगों से ठीक से बात ना करें, रूड रहें, या अपने आप को अलग रखें लोगों से कि हम तो अलग हैं भाई, आप कौन हो. तो इस तरह से एक रवैया होता है कि ये लोग, अच्छी बात तो नहीं होता, क्या करें. ओके, सो वहाँ पर वी कैन से कि ये जो लड़की है वो है तो उसमें बहुत सारे हुनर, मतलब शी इज़ टैलेंटेड. टैलेंटेड मतलब जिसमें हुनर है, स्किल्स हैं, जिनमें कला है. So she is very talented person. She's a very talented person, but she is a bit of a snob. She's a bit of a snob. She's a bit of a snob. या फिर देखिए, एक बच्चा है कि है तो बड़ा प्यारा और अच्छा है. ओके, लेकिन कभी कभी परेशान कर देता है. बच्चे होते हैं परेशान, बच्चे नहीं करेंगे तो बूढ़े करेंगे. लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा हल्का सा कंप्लेन करता है उसके बारे में, थोड़ी शिकायत करता है, कहता है ही इज़ अ वेरी क्यूट चाइल्ड, ही इज़ अ वेरी क्यूट चाइल्ड, बट समटाइम्स ही कैन बी अ बिट ऑफ अ पेस्ट. अ बिट ऑफ अ पेस्ट, पेस्ट यानी कि ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा जो परेशान करता है. अंडरस्टैंड, ही इज़ अ, डोंट बी अ पेस्ट मतलब परेशान ना करो. सो अ
a bit of a pest, will you? A bit of a pest. Sometimes he's a bit of a pest. All right? मतलब उसमें थोड़ी सी ये परेशान करने की उसमें एक आदत है जरूर. So a bit of a pest. Okay? So that is bit के हमने तीन मायने देखे. उसके बाद में next हमारा जो word है वो है about. About यानी बारे में. Okay? So about, say about. What do you know about Satish? आप सतीश के बारे में क्या जानते हैं? What do you know about Satish? What do you know about? What do you know about? What do you know about? इसमें हम बहुत बार बोलेंगे. आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आप उस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं? आप उस शहर के बारे में क्या जानते हैं? या आप उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? Understand? It could be. What do you know about? What do you know about? What do you? What do you? ये भी बहुत बार आएगा हमारे सामने. बोलिए. What do you? What do you know? चलिए. Three times. What do you know? What do you know? What do you know? What do you know about? What do you know about? See, कैसे बोला था? What do you know about? What do you know about Satish? What do you know about Satish? What do you know about Satish? मतलब सतीश के बारे में क्या जानते हैं? या फिर ये, What is the movie about? What's the movie about? मतलब movie की story क्या है? Film की story क्या है? Film किस बारे में फिल्म बनी है कि क्या चीज़ है उसका 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 सब्जेक्ट क्या है. सो यू से व्हाट्स द मूवी अबाउट. व्हाट्स द मूवी अबाउट. कम ऑन कम ऑन. व्हाट्स द मूवी अबाउट. ओके अबाउट यानी बारे में. ओके इट कुड बी व्हाट्स द मीटिंग अबाउट. ले बोलिए. व्हाट्स द मीटिंग अबाउट. व्हाट्स द मीटिंग अबाउट. व्हाट्स द मीटिंग अबाउट. हम प्रेजेंट प्रेजेंट बोल रहे हैं और पास में हो सकता था. व्हाट वाज द मीटिंग अबाउट. चलिए बोलिए. व्हाट वाज द मीटिंग अबाउट. व्हाट वाज द मीटिंग अबाउट. व्हाट वाज द मीटिंग अबाउट. वेरी वेरी गुड. अबाउट देन वी हैव पीपल. पीपल दो है. पीपल ओके ना. पीपल डोंट से पीपल. पीपल का पेड़ होता है. वहाँ पीपल के नीचे मेले में सबसे पीछे खड़ा है. नींद चुराए होश उड़ाए है अखमस्तानिया. हाय शर्माऊ ऐसे कैसे मैं बताऊँ किस किस को सुनाऊँ अपनी प्रेम कहानियाँ. अपनी प्रेम कहानियाँ जालिमा की बालिमा की हाय तीन निशानियाँ. सुनो तो मूवी मेरा गांव मेरा देश. मैं तो कहता हूँ दिस मूवी was the original Sholay. आप देख लो कितना उसमें कितनी सिमिलैरिटी है दोनों की कहानी में. ओके वही एक डाकू है. यहाँ पर भी डाकू है. ओके जिसका बहुत बोलबाला है वहाँ पर. और वही एक वहाँ पर जैसे मेरा गांव मेरे देश में एक फौजी होते हैं रिटायर्ड जो एक ऐसे एक सॉर्ट ऑफ लॉ ब्रेकर हम कहेंगे. ओके जो कानून तोड़ता रहता है ऐसे इंसान को ले आते हैं और उसको ट्रेन करते हैं कि ताकि उसके लड़ सके. धर्मेंद्र को ले आते हैं. और शोले में देखो बेसिक तो उसका तत्व वही है. प्रोडक्शन ऑफ कोर्स बहुत अलग हुआ इन टर्म्स ऑफ आई वुड से द प्रोडक्शन द फाइनेंसिंग ऑफ द मूवी एंड द कैनवास इन विच दे वर मेड. बट टू बी वेरी फ्रैंक ओके आई एंजॉयड मेरा गांव मेरा देश. आई थिंक राज खोसला की शायद फिल्म थी. आई एम नॉट श्योर बट बड़ा मजा आया था. गाने भी क्या गजब के थे. एंड विनोद खन्ना बाय गॉड क्या डाकू दिखते यार उसमें. Vinod Khanna was very handsome and very virile and very, you know, very one of the icons we had when, you know, we were in college. Okay, Vinod Khanna, my God, बताता था कि मेरे अपने में हमने इस महफिल के आगे में किसे में जिक्र किया उसमें भी वो थे कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते. पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना. ओके और उनके बेटे अक्षय खन्ना को भी हम देखने को बहुत पसंद करते हैं. ही हैज़ अ वेरी वेरी चार्मिंग वे ऑफ यू नो कंडक्टिंग हिमसेल्फ. बड़ा मज़ा आता उसको देखने के लिए. आई लाइक दैट गाय. एनीवे चलिए करना है. चलिए एनीवे क्या करें यार मज़ा आता है इस बातों में तो करते रहते. चलो तो पीपल नहीं पीपल सर पी पीपल. ओके पीपल यानी कि लोग पीपल. और इसकी तुलना करें पब्लिक. सी पीपल में भी ये पहला होता है पीपल. यू गॉट टू यू नो सिलेबल्स देयर. पीपल से पीपल. ऑलराइट देयर वर मेनी पीपल देयर. देयर वर मेनी पीपल देयर एंड दे वर इन द ट्रेन.
ओके दे वर मेनी पीपल देयर दे वर इन द ट्रेन, वो लोग ट्रेन में थे. ओके एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव पब्लिक. नाउ अगर हिंदी में हम देखें, पीपल का मतलब होता है लोग और पब्लिक का मतलब होता है जनता. पीपल के लिए अगर प्रोनाउन हम यूज करेंगे यानी सर्वनाम यूज करेंगे, हम लोग लेंगे दे. ओके एंड द पीपल नो, द पीपल नो हुम दे शुड वोट वोट फॉर. लोग जानते हैं उनको किसको वोट देना है. द पीपल नो हुम दे शुड वोट फॉर. अंडरस्टैंड, द पीपल नो हुम दे शुड वोट फॉर, हमने दे बोला. एंड अगर पब्लिक बोलेंगे, द पब्लिक नोज हुम इट शुड वोट फॉर. पब्लिक नोज हुम इट शुड वोट फॉर. तो पब्लिक के लिए इट बोलेंगे और पीपल के लिए बोलेंगे दे. पीपल, 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 पब्लिक, नॉट जस्ट पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक. ऑलराइट, वी गॉट दिस. ब्रेथ यानी कि सांस. सांसें क्यों रुकती, नींदे मेरी क्यों उड़ जाती, ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है. सांसें, ओके ना, सांसें क्यों रुकती, why would I be breathless. ओके, ब्रेथ, सांस, सांसें जो लेते हैं, क्या सांस ली और सांस छोड़ी हमने, ब्रेथ. ओके, तो नाउन जो है वो है ब्रेथ. बोलिए ब्रेथ, ब्रेथ. और उसकी जो क्रिया है वो है ब्रीथ, यानी सांसें लेना. सांसों को सांसों में ढलने दो जरा. नाइस सॉन्ग, गाएंगे किसी दिन और, अभी थोड़ा सा काम कर लिए. ब्रीथ, ओके, ब्रेथ यानी कि आई टुक अ ब्रेथ, मैंने सांस ली. ओके एंड आई कैन ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. ओके, और ब्रीथ डीपली, आप गहरी सांस लीजिए, डॉक्टर कहता है ब्रीथ डीपली. ओके, ब्रीथ, ओके ना, ब्रीथ, ब्रेथ, ब्रीथ. ओके, वेरी गुड, ब्रीथ. ना देखो, 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 देखो यानी कि लुक, किसी चीज को देखना, किसी चीज को निहारना, लुक. अब लुक को लेकर के बहुत सारे फ्रेजल बन सकते हैं. ओके ना, यू कैन हैव मेनी फ्रेजल वर्ब्स, लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक पास्ट. ओके, बहुत सारी चीज बनती है, लुक इनटू, बहुत सारी. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, हम करेंगे उसमें, विल हैव स्पेशल महफिल, विल हैव स्पेशल प्रोग्राम, एक हम खास महफिल करेंगे और उसमें हम इनकी फ्रेजल्स देखेंगे लुक की. लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इतना लुक, ओके ना, लुक, लुक यानी देखो, लुक. ओके एंड देखो से क्या है, थोड़ा शेयर करते हैं. ये ट्रक के पीछे लिखता, पता है, लिखे लिखे होते हैं कि देखो मगर प्यार से, लिखते हैं ना, देखो मगर प्यार से, ये ट्रक वाले लिखते हैं. और पता नहीं, हमारे यहाँ पर नवी मुंबई वाशी में काफ़ी टाइम पहले हमने एक बंदे को देखा, उसने टी शर्ट पहनी हुई थी और लिखा था देखी मगर प्यार से. क्या बात है, क्रिएटिव, आई लाइक दैट. वो ड्रग के विजय का उसने लिया, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और वहां पे लिखा था देखो मगर प्यार से, ये कहता है देखी मगर प्यार से. वाह, नसीब है भैया. लोग प्यार से देखते हैं आपको, कोई बात नहीं. चलिए, सो लुक यानी देखना, ओके ना, गौर से देखते किसी चीज को. ओके, सो वी विल सी लुक एंड सी एंड वॉच एंड ऑब्जर्व, इनको भी हम देखेंगे कैसे ये आप साथ में चलते हैं. इस वक्त सिर्फ हम देख रहे हैं लुक यानी देखो. हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ, लेकिन इसका हम एज अ वेरी कॉमन थिंग यहाँ, लेकिन इसका उच्चार कई लोग गलत करते हैं. कम य, कम य नहीं, कम ही अ, हियर, से दैट हियर, दो टुकड़े हैं, हियर, हियर, ये उठना, लेकिन हियर, ही, जब ही बोलोगे तो आपकी जो सांस है यहाँ पर टकरानी चाहिए आपसे, आपकी उंगली पर, देखिए ही, ओके ना, हियर. कम य, सांस नहीं टकराए, कम य, रॉन्ग, स्कूल में सिखाते हैं, आई नो, बट दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी प्रोनाउंस, इट्स प्रोनाउंस हेयर, कम हेयर, आई वेट फॉर यू हेयर. ओके, हेयर, देन वी गॉट इज देयर, वहां, देयर, चलिए बोलिए देयर, लेट्स गो देयर, चलिए बोलिए लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो,
देयर। चलिए वहां चलते हैं या चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर। बोले ना आप, ये आपके लिए कर रहा हूं मैं भाई। ओ आई एम टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर रहा हूं। बोले ना प्लीज प्लीज जी प्लीज, हाँ बोलिए, लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं। ऑलराइट, एंड देन वी गॉट दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी इमारत, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, हाउस बोलना, हाउस हाउस हाउस, ओके। एंड देन गॉट इज होम, होम होम। कई वर्ड्स पहले आए हैं, अभी करवा रहा हूं फिर से और फिर करवाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। अंडरस्टैंड, ये धमकी नहीं है आपको, चेतावनी नहीं है, वादा है, क्योंकि ये चीज आपके फायदे के लिए, इसलिए मैं वादा करता हूं कि मैं फिर करवाऊंगा आपसे, ओके ना, वादा है मेरा, ये मेरा वादा है कि मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, ओके, मुझ पर भरोसा करो। अंडरस्टैंड, और उससे ज्यादा ऑफकोर्स अपने आप पे भरोसा करो, और सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे, ये तो मैं हमेशा कहूंगा, ये भरोसा ऊपर वाले, आप किसी नाम से बोल लो उसको, किसी भी नाम से पुकार लो, ठीक है ना, लेकिन मानो कि है कोई तो, और उससे आप उसके सामने हाथ फैलाओ, अपने अपना अपना दामन उसके सामने फैलाओ, कोई भी चीज मांगो वो देता है, अच्छी चीज सही दिल से मांगो तो नहीं हुआ। हाँ ये बात और है कि उतना देगा तुमको जितना वो जानता है तुम्हें जरूरत है, जितना वो जानता है कि आपके काम आएगी, जितना वो जानता है कि नुकसान नहीं करेगी, वो चीज आपको देगा, समझे ना। लेकिन मान के चलोगे और शुक्रन में जियोगे तो भैया आपका जीवन ऐसे कटेगा कि लोग आप पर रश करेंगे, लोग जलेंगे आपसे, ऐसे जीवन कटेगा। का फलसफे में आगे चले, बोलिए 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 बोलिए, कमान। सो होम, होम 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 यानी घर, हाउस यानी बेसिकली मकान होता है, और होम यानी घर होता है, ओके। और ये आप बोलिए मेरे साथ में प्लीज, ओके ना, बोलते रहे, मैं वादा करता हूँ आप जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ करें, और यू विल स्पीक इंग्लिश, ओके। और एक बात प्लीज, क्लिक करें लाइक बटन को, एक बार करें, ओके, ओनली वंस, हर एक वीडियो को जब भी आप देखें एक बार उसको क्लिक करें, और आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को और आपके जो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, और उनको भी कहिए कि वह क्लिक किया करें, ओके ना। लेकिन एक इंसान को एक वीडियो पे एक ही बार करना है, डोंट कीप ऑन क्लिकिंग, क्योंकि ये जो गूगल वाले हैं ना वो पसंद नहीं करते, और ये भैया ये तो हमारा धरोहर है यहाँ पर, इनके नियम से हमको चलना पड़ता है। आई हैव टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व देयर रूल्स, आई हैव टू ऑब्जर्व देयर रूल्स, अंडरस्टैंड, आई नीड टू दैट। सो द रूल्स से दैट यू नो यू शुड नॉट बी क्लिकिंग अगेन एंड अगेन, बट वंस यू डू इट इट्स वेरी गुड इफ यू लाइक इट। आई होप यू लाइक दिस, नो व्हाट आर यू सेइंग, क्या बात कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रही है? ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, सब्सक्राइब करें, ओके, क्लिक करना आपको सिर्फ, फ्री है भैया, फ्री है, कुछ नहीं है उसमें खर्चा, सब्सक्राइब करें, ओके, यूट्यूब आप देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो देखो वहाँ पे एक बटन है, उसको सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आप इफ यू आर यू नो इफ यू इफ कैन सेंड मी एन ईमेल, एक ईमेल अगर आप भेजते हैं, ओके, एड्रेस या पे स्क्रॉल होता है या कई जगह पर मिलता है आपको, तो वहाँ पर आप ईमेल भेजें कि प्लीज़ मेक मी अ फ्री मेंबर ऑफ इंग्लिश आर्म प्रोग्राम एंड सेंड मी ईमेल्स। उसके बाद में आपकी छोटी सी डिटेल्स देनी, आपका नाम, आपका सेक्स यानी जेंडर मेल या फीमेल वो लिखना है, आपकी उम्र लिखनी है, और आपका क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, इतना आप हमें भेजें और हम आपको हमारे प्रोग्राम का मेम्बर बना देंगे। इसके अलावा ब्लॉग पर भी आप फ्री मेंबर बन सकते हैं, वो प्लीज़ वो भी करिए। आई नो तीन चार चीज़ें करनी है, लेकिन एक एक बारी तो करनी है ना, ऐसा नहीं कि आपको करते रहना है, करेंगे तो हमारे पर मेहरबानी होगी, ओके, आई विल बी वेरी वेरी मच ओब्लाइज्ड, ओके, अच्छा रहेगा। चलिए बोलिए, होम हाउस, हाउस होम, होम प्रोनाउंसिएशन होम, वेरी गुड। नेसेसरी यानी जरूरी, नेसेसरी नेसेसरी नेसेसरी
ऑलरेडी आपको महसूस हो रहा होगा कि कई शब्द हमने, कई वर्ड्स, कई हमारे अल्फाज पहले भी आए हैं और अभी आ रहे हैं. अच्छा है, आपको एहसास हो रहा था, अच्छा, बिकॉज वो आपकी रिकलेक्शन हो रही है एंड दैट शुड ग्रो. अंडरस्टैंड, नेसेसरी, गुड, नेसेसरी. उसके बाद में है नीडेड, नीडेड, नीडेड. आई नीडेड सम पेपर, आई नीडेड सम पेपर, I needed some paper. Okay, मतलब मुझे कुछ पेपर की, कुछ कागज़ की ज़रूरत है. Or can say, ज़रूरत थी. I needed. Okay, I need some paper. मुझे ज़रूरत है. I needed some paper. मुझे कुछ कागज़ की ज़रूरत थी. Okay, and you can say, more funds are needed for the project. मतलब प्रोजेक्ट के लिए और रकम की और फाइनेंस की और पैसों की ज़रूरत है. More funds are needed for the project. More funds are needed for the project. Very good. Required का भी मतलब होता है ज़रूरी. Okay? Required या ज़रूरत है. Required. Very good. Imagination यानी कि कल्पना, तस्वीर. Okay? Imagination. Good. Habit. साथ बोलना है भाई, मैं बोल रहा हूँ तो उसके मतलब कि आपको भी बोलना है साथ साथ में. Habit का मतलब होता है आदत, किसी की आदत होती कि habit. Okay. For example, it's my habit to have a glass of water the first thing in the morning. Okay. सुबह उठ के पहले एक ग्लास पानी पीता हूँ मैं, किसी की habit होती है. It's my habit to have a glass of water the first thing in the morning. It's my habit. ये मेरी आदत है. It's my habit. Okay. Then we have is tolerate. Tolerate मतलब कोई चीज़ को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई चीज़ को आप सहन कर लेते हैं, कोई चीज़ को आप अलाउ कर लेते हैं. Tolerate या कभी नहीं करते हैं. For example, एक कंपनी में जो मैनेजर हैं वो कहते हैं we will not tolerate late coming. के लेट आना, देर से आना हम टॉलरेट नहीं करेंगे. वी विल नॉट टॉलरेट लेट कमिंग, और वी विल नॉट टॉलरेट मेसी वर्क, मतलब गंदा काम हम टॉलरेट नहीं करेंगे. ओके, वी विल नॉट टॉलरेट. ठीक, टॉलरेट. गुड. इसके बाद में है बेयर मतलब सहन करना या कोई चीज़ आप यू नो एंड्योर कर जाते हैं. कि आई कैन नॉट बेयर दिस हीट, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. ओके, सो आई कैन नॉट बेयर दिस हीट. और कभी होता है प्लीज़ बेयर विथ मी, मतलब मेरे साथ में थोड़ा सा ये आप इसको सहन कर लीजिए कि ये कुछ हो रहा है तो आप भी मेरे. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई टेल यू वी हैव टू हैव अ ब्रेक हियर, प्लीज बेयर विथ मी, आई विल बी बैक जस्ट आफ्टर दिस ब्रेक. अंडरस्टैंड, इस महफिल को हम आगे और एक हिस्से में बढ़ाएंगे. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ये महफिल ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ महफिल का ये हिस्सा ये कभी ख़त्म हो रहा है. इसका अगला हिस्सा लेकर के बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा, ये मेरा वादा है. इंग्लिश